या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रही हूँ, मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो विद्या, कला और संगीत की देवी सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व बसंत के आगमन के संकेत के रूप में माना जाता है। हर साल इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़ी कहानियाँ इस प्रकार हैं। पहली, सरस्वती जी की कथा। सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो एक सुंदर स्त्री के रूप में देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी थी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया, इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा होने लगी। सरस्वती पूजन से पूर्व विविध पूर्वक कलश की स्थापना करनी चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश, सूर्य, विष्णु, शंकर आदि की पूजा करके सरस्वती पूजन करना चाहिए। इस प्रकार बसंत पंचमी एक सामाजिक त्यौहार है, जो हमारे आनंदोल्लास का प्रतीक है। प्रकृति के इस उत्सव को महाकवि कालिदास ने सर्वप्रिय चारुत्तर वसंते कहकर अलंकृत किया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऋतु नाम कुसुमा करा, अर्थात मैं ऋतुओं में वसंत हूँ कहकर वसंत को अपना स्वरूप बताया है। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव और रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। बसंत पंचमी पर भगवान कृष्ण ने भी अपनी गोपियों के साथ रासलीला की थी, जो ब्रज की गोपियों के साथ नृत्य करते हुए बहुत ही मधुर और प्रेम पूर्ण माहौल में थे। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है बसंत का मौसम। ब्रज में भी बसंत के दिन से होली का उत्सव शुरू किया जाता है। राधा गोविंद के आनंद विनोद का उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव फाल्गुन की पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन श्री कृष्ण के गायत्री मंत्र का जप करने से सभी दुख दूर होते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम देविका नंदनाय विद्यमहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात। फसलों का उत्सव बसंत पंचमी के दिन खेतों में उन्नत और नई फसलों की खेती की शुरुआत भी माना जाता है। इसे भारतीय कृषि के साथ ही संबंधित महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इसी दिन किसान अपने खेतों से नया अन्न लाकर उसमें घी और मीठा मिलाकर उसे अग्नि, पितरों और देवों को अर्पण करता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की लग्न लिखी गई थी। विद्यार्थी और कला साहित्य से जुड़े हर व्यक्ति को इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा कभी विफल नहीं होती। माँ सरस्वती की पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस दिन घर में माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर अवश्य स्थापित करें। घर में वीणा रखने से घर में रचनात्मक वातावरण निर्मित होता है। घर में हंस की तस्वीर रखने से मन को शांति मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। माँ सरस्वती की पूजा में मोर पंख का भी बड़ा महत्व है। घर के मंदिर में मोर पंख रखने से
नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। कमल के फूल से माँ का पूजन करें। बसंत पंचमी के दिन विवाह, गृह प्रवेश और अन्य कार्य भी शुभ संपन्न होते हैं। यही नहीं, बसंत पंचमी के दिन शिशुओं को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इस दिन बच्चों का अक्षर आरंभ भी कराया जाता है। बसंत पंचमी में पीले रंग का विशेष महत्व है। पूजा विधि में पीले रंग की वस्तुएं प्रयोग में ली जाती हैं। लोग पीले रंग के व्यंजन भी बनाते हैं और पीले कपड़े पहन के मंदिर जाते हैं। तो आप सभी को मैजिक मंच की तरफ से शुभ बसंत पंचमी।